आते हैं। रोहित सर के भी सब फिल्म मैंने की है, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट का 3 मिनट का रोल है, आप करेंगे क्या? तो बोला ट्राई करेगा, मैंने एक्टिंग तो कभी की नहीं है, लेकिन मेरा 3 दिन का शूटिंग वहाँ हुआ और अच्छा काम हुआ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके साथ रहने के लिए नया एक्सपीरियंस मिला लाइफ का। अच्छा, आगे कोई फिल्मों में काम करना चाहेंगे आप? जो ऑफर आएगी तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन छोटे छोटा रोल करेगा, बड़ा तो नहीं करवाएगा क्योंकि मैं एक्टिंग का कोर्स नहीं किया है। जी, कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? बस बड़े में बड़ी संख्या में यहाँ आइए और इतना दर्शन का लाभ लीजिए, और जो इतना भव्य ये बनाया हुआ है, जो एक्सपेंस और जो लोगों ने सेवा दी है, उसको जरूर एक जैन समाज के सिवा भी और सब कास्ट के लोगों को आना चाहिए और ये देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो हमने नया डिजिटल मीडिया चालू किया है, पहले आउटडोर में था, अभी डिजिटल प्रिंट, रेडियो, टीवी, पीआर, इवेंट्स, हमें नया डिवीज़न चालू कर रहे हैं अभी, और फिल्म का तो काम हम कर ही रहे, और जितने भी अवार्ड, सीरियल, चैनल्स और बड़े बड़े जो भी नया इनोवेशन आएगा वो काम करेंगे। नहीं, प्रोडक्शन का प्लान नहीं है। थैंक यू सर। सागर का और इनकी पहचान है अहंकार। मैडम पहले 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 यहाँ पर हाँ मैडम कौशिक जी हाँ पाचन हाउस है ना हाँ यहाँ समृद्धि से भर दिया। यहाँ पे आपने घूम के कलाकृतियों को देखा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर अप्रतिम कलाकृति है और ये सब बनाया हुआ है 1 महीने के अंदर, और मैं तो चाहूंगी कि ऐसे बना रहे, अगर परमिशन लेके ऐसे ही रहता है तो एक हमारे मुंबई में एक और एक प्रेक्षणीय स्थल की एक हो जाएगी और लोग आके देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने गोल्डन अवार्ड बुक गिनीज अवार्ड में उनका नाम लिखा गया है, क्योंकि 300 बुक की पुस्तिका उन्होंने आज तक लिखी हुई है, और उनका बड़ा ही योगदान रहा है जैन धर्मों के अंदर, हिंदू धर्म का प्रचार करने में उनका बहुत ही सहयोग रहा है। और मैंने जैसे सुना था कि उनकी प्रतिभा जैसी है वैसे उनका दर्शन आज हुआ, और मैं अपने आप को खुश समझती हूँ कि आज दर्शन पा के मैं भी उनसे लाभार्थी हो गई, और ऐसे ही मेरे मुंबई पे भी उनकी बनी अच्छी साया बनी रहे और मेरे मुंबई वासी खुश रहे और उनमें भी सुख शांति का फैला हो जाए। इसके अलावा गुरुजी ने और भी इनिशिएटिव लिया यंगस्टर्स के लिए, सेक्स एजुकेशन, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? जरूर ये जरूरी है सब, और ये सामाजिक घटनाओं में और सामाजिक में योगदान दे रहे, और ऐसे अगर योगदान इन महान विभूति के कारण होता है तो वो भी एक समाज के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, और ऐसे लोगों की हमारे समाज में, हमारे मुंबई में बहुत ज़रूरत है। मैं खास करके जिग्नेश जी का बहुत अभिनंदन करूंगी और शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया उनसे मिलने का, उनसे शुभ आशीर्वाद देने का। धन्यवाद। नक्कीच मला असं वाटतं की मुंबई खरंच भाग्यशाली आहे की आज इथे पंडित श्रीमान रत्नसुंदरी सुरेश्वरजी महाराज यांचं 300 पुस्तिकाचं विमोचनाची एक आव्हान आहे, आणि विमोचनाचं कारण त्यांनी आज इथे केलेलं आहे, आणि बरेच मान्यवर सुद्धा येऊन भेट देत आहेत, आणि मुंबईचे वासी पण इथे येऊन ह्या वास्तूला जर भेट देतील आणि त्यांचे शुभाशीर्वाद घेतील तर त्यांच्या जीवनामध्ये सुख, शांती, ऐश्वर नक्कीच प्रस्थापित होईल, आणि आज त्याच कारणाने मी सुद्धा आले की मुंबईच्या लोकांवरती कोणतेही संकट येऊ नये त्याचे शुभाशीर्वाद घेण्यासाठी मी आज इथे आलेली आहे। मला असं वाटतं प्रत्येक मुंबईकरांनी यावं आणि इकडचं दृश्य बघावं, एक त्यांचं सामाजिक कार्यसुद्धा आहे ज्याचं नक्कीच आपण कौतुक केलं पाहिजे, आणि असे विभूती आपल्या मुंबईमध्ये येणं हे आपल्यासाठी भाग्यशाली आहे। थँक्यू सो मच।